हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर इस तरह की रमजान स्पेशल डीपीस काफी वायरल हो रही है नाम के साथ। तो चाहे आप बॉय हो या गर्ल हो, आप ही अपने लिए इस तरह की नाम के साथ इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो में मैं आप सबको इस तरह की इमेजेस जनरेट करना सिखाऊंगा। आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो इस वीडियो में जो भी प्रॉम्प्ट यूज करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बॉय के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करना है। जैसे आप क्रोम को ओपन करेंगे, आपने यहाँ पर लिखना है बिंग इमेज क्रिएटर, सर्च में लिख देना है बिंग इमेज क्रिएटर। जैसे आप ये सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर जो वेबसाइट नजर आ रहा है आपको, आपने इसको लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूजर है, फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनवा के इसको लॉगिन करना है। जब तक आप अकाउंट नहीं बनाएंगे आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते, तो आपने इसका अकाउंट बनाया। जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है, यानी कि आपको जिस किस्म की इमेजेस चाहिए आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखना है। याद रहे कि आप यहाँ पर अगर सही सही प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो सही इमेज जनरेट होगा, अगर प्रॉम्प्ट गलत लिखेंगे तो इमेज सही जनरेट नहीं होगा। इसलिए आपने ध्यान से सही सही प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। यहाँ पर मैंने पहले से लिख कर रखा है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप मुझसे कॉपी करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। याद रहे आपने अपना नाम चेंज करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर लिख देंगे, फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे, 15 सेकंड वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, 15 सेकंड के बाद देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरह का इमेज जनरेट हो चुका है। तो अगर इसमें जो इमेज आपको पसंद आए तो आपने क्या करना है, जो इमेज आप डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपल आपने उस इमेज पर क्लिक करना है। फिर साइड में 3 डॉट नजर आ रहे हैं, अपने 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आपने फिर साइड पर स्वेप करना है, फिर साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से अगेन साइड में स्वेप कर देना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। फिर साइड में स्वेप करेंगे, इसी तरीके से आप चारों के चारों इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको इस चारों इमेजेस में कोई पसंद ना आए या सही से जनरेट ना हो, तो आपने अगेन क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है, तो अब मजीद 4 इमेजेस जनरेट हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हैं तो इस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर ये जो वाइट क्लॉथ है मैं ये कट कर देता हूँ, यहाँ पर ब्लैक लिख देता हूँ, यानी कि ब्लैक ड्रेस लिख देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी अपना फेवरेट कलर लिख सकते हैं। अगेन हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर 15 सेकंड वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, 15 सेकंड के बाद आप देख सकते हैं हमारे ब्लैक ड्रेस की भी मजीद 4 इमेजेस जनरेट हो चुकी है। एकदम रियलिस्टिक और अमेजिंग इमेज जनरेट हो चुकी है। तो सिंपल जो इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं उस इमेज पे क्लिक करना है, फिर साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से फिर साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं आपने सिंपल उस पे क्लिक कर देना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। अगेन अगर आप इस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अगेन क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो और मजीद 4 इमेजेस जनरेट हो जाएगी। तो मैं अभी यह प्रॉम्प्ट यहाँ से कट कर देते हुए बॉयज के लिए, तो अभी मैं यहाँ पर गर्ल के लिए लिख देता हूँ, गर्ल्स के लिए पेस्ट कर देता हूँ। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गर्ल्स वाली, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अपना नाम चेंज करना होगा तो अगेन हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, फिर 15 सेकंड वेट करेंगे। 15 सेकंड के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं गर्ल्स के लिए यहाँ पर जो कुछ भी लिखा था सेम उसी तरह का इमेजेस जनरेट हो चुकी है। तो इसमें आपने जो इमेज डाउनलोड करना है तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, फिर साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से फिर अगेन आपने साइड में स्वेप करना है, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है, फिर साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर ये इमेजेस सही से जनरेट ना हो तो आप अगेन क्रिएट पर क्लिक कर सकते हैं, अगेन मजीद 4 इमेजेस जनरेट हो जाएगी। अब इस प्रॉम्प्ट में हम चेंजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर ये जो पिंक जो नाम का कलर है मैं चेंज कर देता हूँ, रेड लिख देता हूँ। अभी इसके क्लॉथ का जो कलर है मैं यहाँ से ये कट कर देता हूँ, वाइट में हटा के यहाँ पर ये वाइट में कट करके यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड, तो रेड लिख देता हूँ या ब्लैक लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक लिख दिया। अभी अगेन हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे, 15 सेकंड वेट करेंगे।
तो फ्रेंड्स 15 सेकंड के बाद देख सकते हैं हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। तो अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो सिंपल आपने इमेज पे क्लिक करना है, फिर साइड में थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से साइड में सेव कर देना है, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपका इमेज सही से जनरेट ना हो यहाँ पर, अगर सही जनरेट ना हो, सही इमेज ना बने आपका, तो आपने क्या करना है कि बैक आ जाना है, फिर अगेन आपने क्या करना है कि अगेन क्रिएट पे क्लिक करना है। फिर 15 सेकंड वेट करेंगे तो फ्रेंड्स 15 सेकंड के बाद हमारी चार अमेजिंग इमेजेस जनरेट हो चुकी है। तो आपने अगर इसमें से कोई भी इमेज आपको पसंद आए और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने सिंपल उस इमेज पे क्लिक करना है, फिर साइड में थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से साइड में सेव करना है, फिर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से आप सारे के इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो था यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।